हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रवा पैनकेक्स। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि हम इसे रवा से बनाते हैं और आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी ली है और इसमें हम 1 कटोरी दही डालेंगे और दही के साथ हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप काले मिर्च कम डालें और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमारा बैटर थोड़ा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी और डाल रही हूँ और अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स करूँगी। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। मैंने यहाँ पर काली मिर्च यूज़ की है, आप यहाँ पर लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम जीरा डालेंगे और जीरे के साथ हम इसमें राई भी डाल देंगे और इसे अच्छे से पॉप होने देंगे। और फिर इसके साथ हम थोड़ी सी चना दाल भी डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे। और जब चना दाल फ्राई हो जाए तो हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे। अदरक को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल दिया है और अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है और ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। तो ये हमारा तड़का अब तैयार हो चुका है, हम इसे बैटर में डाल देंगे। ये हमारा बैटर भी रेडी हो गया है फूल कर, हम इसमें ये तड़का दाल डाल देंगे। ये दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तड़के में, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और इसे अब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच सोडा डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम पैनकेक्स बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है और इसके ऊपर मैं पैनकेक्स बना लूँगी। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे पैनकेक्स बना रही हूँ और इसे हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इन्हें फैला दिया है और हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक होने देंगे। जब ये कुक हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो रहा है और आप इसमें थोड़ी थोड़ी जालियां भी देख सकते हैं, इसमें आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। और इसके साइड से कलर भी चेंज हो रहा है, जब ये पूरी तरह से पक जाएंगे तो इनका कलर पूरा चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए, मैं इसे पलट रही हूँ, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इसे हम इसी तरह पकने देंगे और थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा देंगे।
आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। तो ये मैंने ऑयल लगा दिया है, अब हम इन्हें पलट कर फिर से सेक लेंगे। और अब दूसरी तरफ भी अच्छे से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। ये ऑयल के बिना भी बहुत टेस्टी बनता है, आप इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। और अब हम इसे फिर से पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसे हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये अब अच्छे से सिक चुके हैं। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इन्हें सर्व कर लिया है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पैनकेक्स कैसे लगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।